साउथ अफ्रीका के खिलाफ बॉल टैंपरिंग की वजह से एक साल का प्रतिबंध झेलने के बाद एशेज सीरीज में स्टीव स्मिथ शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं और वो टेस्ट रैंकिंग में भारतीय कैप्टन विराट कोहली को पीछे छोड़कर पहले स्थान पर आ गए हैं। लेकिन कोहली और स्मिथ में कौन बेहतर है, यह बहस इस समय विश्व क्रिकेट में चल रही है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व लेग स्पिनर शेन वॉन ने स्मिथ को टेस्ट में कोहली से बेहतर बताया है। वहीं पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज अतुल वासन की राय अलग है। देखिए, ये पर्सनल चॉइस है, यू नो, किसी का कोई अच्छा लगता है, पर अगर आप रिकॉर्ड्स देखें और अलग अलग जनरेशन के खिलाड़ियों को नहीं मिलाना चाहिए, पर स्टीव स्मिथ ने जो कमाल कर दिया है अपने डिफरेंट टेक्निक से, तो एक अलग सा एंगल जो ऐड किया है क्रिकेट में, बड़ा अच्छा लग रहा है कि जो कोचेज की एक नीति रहती थी जो बिल्कुल, और बुमराह और स्टीव स्मिथ ने जो काम किया है, मुझे लगता है कि क्रिकेट को उन्होंने बहुत बढ़ावा दिया है कि आप रिजिडिटी से कोचेज कोचिंग ना करें, एक यूनिकनेस, एक इनोवेशन जो होती है वो आगे जाती है। और मुझे लगता है कि कंप्लीट बैट्समैन तो विराट कोहली है, स्टीव स्मिथ अच्छा कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कमी उनकी रही है, लीडरशिप के हिसाब से देखें तो विराट कोहली आगे, तो कंप्लीट पैकेज मैं विराट को उनसे आगे मानता हूँ। टेस्ट क्रिकेट में बात हो रही है रोहित शर्मा, देखिए अब ये बात तो है कि खिलाड़ियों को कि आप एक आधी परफॉर्मेंस से चल नहीं पाएंगे, तो ये संकेत है, और रोहित शर्मा की वापसी होनी चाहिए थी कि इतना टॉप क्लास खिलाड़ी अब तक सेट नहीं हो पाया, जो युवराज के साथ हुआ या कुछ और खिलाड़ियों के साथ हुआ, मुझे लगता है कि रोहित के साथ शायद ना हो, और ये मौका एक और है। 6 नंबर पर मुझे लग रहा था कि रोहित सेट नहीं हो पाएंगे, और आजकल जिस तरह से टेस्ट क्रिकेट होती है वनडे के लिहाज से होती है, और अगर रोहित अगर हिट हो गए तो आप देखेंगे कि इंडिया ज़्यादा टेस्ट मैचेस जीतेगी वनडे T20 सीरीज चाहिए, और यहीं से शुरुआत होती है, और जो भी खिलाड़ी आते हैं वो T20 के थ्रू आते हैं। क्वालिटी आइडेंटिफाई करिए सिलेक्टर्स ने, तो मुझे लगता है कि दोनों ही टीमें यंग खेलेंगी, और ये आगे T20 आने वाले वर्ल्ड कप का एक कर्टन रेजर रहेगा।